Chinky Gold, could you tell us about how your preparations have been? मेरी प्रिपरेशन तो वैसे बहुत टाइम से चल रही थी, बट ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हम तीनों, इंडिया के तीनों मेंबर्स ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और इससे बड़ी खुशी की बात तो कुछ हो नहीं सकती क्योंकि इंडिया हमारा आया हुआ है इसमें. और मेरी प्रिपरेशन है तो ये बहुत टाइम से चल रही थी, और थैंक यू. एंड ये इसके लिए बहुत मैंने भी बहुत मेहनत की है, प्लस मेरे साथ सपोर्ट जो है मेरे कोच का. और कोच का नाम नहीं लेंगे आप? मेरे कोच जैसे बेसिकली मुझे जसपाल सर ट्रेन करते हैं. मैं जसपाल का दोस्त हूँ. तो जसपाल सर ने मुझे ट्रेन किया है और उन्हीं के सपोर्ट से मैं अभी यहाँ पर, क्योंकि ये सीनियर का मेरा पहला मेडल है इंडिविजुअल और वर्ल्ड कप में. तो बस यही, यहाँ से लेके टोक्यो तक की दूरी आपकी सिलेक्शन में समझता होगी, तो बहुत अच्छा आपकी जो सिलेक्शन होगी, तो आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे? ये सारा प्लान है और सर के पास इसका सारा शेड्यूल है. बाकी प्रिपरेशन मेरी अभी से चल रही है. हम मेंटली और फिजिकली दोनों वर्क कर रहे हैं इस चीज़ पे. फिजिकली दोनों वर्क कर रहे हैं. कोरोना काल चल रहा है, दोबारा केसेस बढ़ रहा है, आप लोग कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं कि इसको मेंटली आपको अफेक्ट ना करे? हम अपना सारा शेड्यूल सेपरेटली फॉलो करते हैं. हम खुद को सेपरेटली, मतलब हम किसी से ज़्यादा मिलते जुलते भी नहीं हैं, और हम सारा सेफ वो उनके साथ अपना सारा काम करते हैं. आपको लगता है कि 119 दिन रह गए टोक्यो के लिए, हर एक दिन बड़ा कीमती रहेगा आपके ट्रेनिंग के लिए? हाँ जी, हर एक दिन, हर एक घंटा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. यूजली देखा जाता है कि आप तीनों लड़कियां का स्टैंडर्ड ऊपर नीचे नहीं होता, ऑलमोस्ट एट द सेम है, बट आज आपने बहुत ही अच्छा शूटिंग दिखाया, बड़ा कंसिस्टेंसी दिखाई, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं मेहनत तो इसी चीज़ के लिए कर रही थी और ये चीज़ आज मैं कर पाई, इस बात की मुझे खुशी है. कंग्रेचुलेशंस चिंकी, थैंक यू. थैंक यू सो मच.